हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबा के ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साइड के इस बेल आइकन को भी प्रेस करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी वीडियोस जो हैं आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनंजय टेक्निकल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो है कल लॉन्च हुए मोटो जी 5 प्लस के बारे में। जो भी आपके मन में फ्रीक्वेंटली जो डाउट्स वगैरह हैं, आप जानना चाहते हैं इस फोन में क्या है क्या नहीं, तो मैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि रैंडम बहुत सारे लोगों के मन में है, कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा है। तो इसके लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको मोटो जी 5 प्लस लेना है या नहीं लेना है। वैसे बहुत अच्छा फोन है, आपको जरूर से इसको कंसीडर करना चाहिए। थोड़ा सा ओवर प्राइस है फोन, तकरीबन इसकी जो रियल प्राइस है वो होनी चाहिए थी 13,500 फिर 900 रुपए के आसपास, पर 15,000 रुपए तक है। तो भी देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है कि रिलायंस जियो जो है वोल्टी सपोर्ट के साथ चलता है, तो क्या इस फोन में रिलायंस जियो वोल्टी सपोर्ट है या नहीं है। तो जरूर से इस फोन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन में जरूर से रिलायंस जियो का सपोर्ट है और इसमें वोल्टी सपोर्ट है, जिससे रिलायंस जियो का सिम आप आराम से चला सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि क्या इस फोन में गूगल असिस्टेंट है या नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स इस पे गूगल असिस्टेंट जो दिया गया है या नहीं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन में जरूर से जो है वो गूगल असिस्टेंट भी जो है वो दिया गया है। आप उसकी जो होम की है उसको प्रेस कर रखेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगा जो कि गूगल असिस्टेंट का है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, इसमें गूगल असिस्टेंट भी है जो वो दिया गया है। तीसरी बात करते हैं कि 4GB रैम और 3GB रैम में मॉडल वाले में से नॉर्मली अगर आप ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हैं और कॉल्स वगैरह करते हैं और सिर्फ फोटोज वगैरह जो है वो क्लिक करते हैं, तो आपके लिए कौन सा वेरिएंट जो है वो अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से 3GB वाले वेरिएंट के साथ आपको 16GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। तो अगर ज्यादा आप हैवी गेमिंग नहीं करते हैं और ज्यादा यूजर्स नहीं है, आप एक बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल यूजर है या लाइट यूजर है, तो आप जरूर से जो है वो 3GB वाले वेरियंट के साथ जा सकते हैं। हालांकि आजकल नॉर्मली हर फोन में 32GB मिनिमम जो है इंटरनल स्टोरेज जो है वो दिया जाता है, पर इसमें जो है 16GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है 3GB वाली रैम के साथ। तो आप एक लाइट यूजर या नॉर्मल यूजर हैं तो आप आराम से 3GB वाली रैम 16GB वाली इंटरनल के साथ आपका काम इजिली चल जाएगा। और इसके साथ एक इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें जो है एक अलग से मेमोरी कार्ड स्लॉट भी जो दिया गया है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड जो है डाल के यूज कर सकते हैं, तो आप जरूर से 3GB वाला वेरिएंट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि मोटो जी 4 प्लस की तरह इसके जो बैक पैनल पे कैमरा जो दिया गया है वो बड़े डायल पे है, तो क्या उसमें प्रोटेक्शन है जी 4 की तरह प्लास्टिक का ही नॉर्मल डायल है जिसमें स्क्रैच वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जी 5 प्लस में ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है कैमरा के ऊपर, तो आप बिल्कुल भी जो है टेंशन मत लीजिए, आपके कैमरे पे कभी भी जो है वो स्क्रैच वगैरह जो है वो नहीं लगेंगे, तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। और बात करते हैं अगले कि इसमें लेजर ऑटो फोकस जो है वो मोटो जी 4 प्लस की तरह है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसमें जी 4 प्लस की तरह लेजर ऑटो फोकस जो है वो नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा सा जो है जो आपके लिए हो सकता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर उतना इससे मेरे हिसाब से अगर आप जनरल यूजर हैं तो फोटोज अच्छी आती है, 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और जो है फ्रंट जो कैमरा है वो भी ठीक ठाक ही फोटो कैप्चर कर लेता है लो लाइट में, तो इतना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर इसमें लेजर ऑटो फोकस जो है वो मोटो जी 4 की तरह नहीं है। और क्या आप और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या आप इसमें स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप इसमें स्लो मोशन में जो है वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और फंक्शन है कि आप नॉर्मल जो है वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें स्लो मोशन का जो है वो इफेक्ट भी डाल सकते हैं, तो जरूर से आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आप जो है नॉर्मल वीडियोस भी जो है कैप्चर करके स्लो मोशन कर सकते हैं और स्लो मोशन में भी वीडियो जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि जी 4 प्लस जो है जी 4 वो हीट होता था, तो क्या ये फोन हीट होता है, तो अगर आप इसमें हैवी गेमिंग करेंगे तो ये हल्का सा जो है वो हीट होता है, पर मोटो जी 4 की तरह बहुत ज्यादा हीट नहीं होता, तो ये भी एक अच्छी बात है इस फोन की। और अगली जो बात है इसमें कि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसमें डॉल्बी एटमॉस का जो है वो सपोर्ट नहीं है, तो ये भी आप कंसीडर करें लेते वक्त कि आपको ये अगर जरूरी है तो फिर आपके लिए डील ब्रेकिंग जो है वो हो सकता है।
और अगली जो बात करते हैं वो है डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट इसमें है या नहीं। तो इसमें मैं आपको जरूर से बताना चाहता हूँ कि इसमें डुअल बैंड वाईफाई जो है सपोर्ट है, ये दोनों बैंड जो है वो सपोर्ट करता है, तो आपको वाईफाई यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली जो बात करते हैं वो है कि इसमें एचडीआर जो है इफेक्ट जो है फ्रंट कैमरा के लिए है या नहीं। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो एचडीआर फ्रंट कैमरे एचडीआर जो है वो फ्रंट कैमरे में बिल्कुल दिया गया है, जिससे फोटोज काफी अच्छी आती है, पर ये नॉर्मल सा ही फ्रंट कैमरा है, ज्यादा कुछ खास नहीं। इसमें रेयर कैमरा अच्छा है पर फ्रंट कैमरा उतना खास नहीं है। और अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि G5 और G4 में जो है कैमरा किसका बेस्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि G5 का कैमरा वो ज्यादा बेस्ट है आर्टिफिशियल लाइट और लो लाइट में। G5 का कैमरा वो है ज्यादा अच्छे से पिक्स जो है वो क्लिक कर पाता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी होगी अगर आप एक कैमरा चाहते हैं कि कैमरा आपके फोन का अच्छा लो लाइट में या इंडोर लाइट में भी आप फोटो जो है वो लेना चाहते हैं, तो जरूर से आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बात करते हैं सेंसर की, इसमें आपको बहुत तरीके के सेंसर मिलेंगे, जायरोस्कोप भी सेंसर आपको इसमें मिलेगा। पर इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि इसमें क्या आपको कंपास जो है सेंसर मिलता है, तो इसमें आपको कंपास जो है वो सेंसर नहीं मिलता है, ये एक वो माइनस पॉइंट है इस फोन का। वैसे इतना यूज होता नहीं, आप एंड्रॉइड ऐप स्टोर से भी अलग से वो जो है डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं बैटरी यूजेज की, तो इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है। तो अगला क्वेश्चन इसी से है कि क्या इसका बैटरी अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा है, कैसा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है जो लगभग जो है वो एक दिन चलती है। अगर आप नॉर्मल या लाइट यूजर हैं, ज्यादा आप जो है यूज नहीं करते हैं, तो और साथ में ये क्विक चार्ज को सपोर्ट भी करती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने फोन को जब भी बैटरी कम है तो जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। पर ये जो है लगभग एक दिन चलेगी, एक दिन से ये ज्यादा किसी भी हालात में जो है आपको बैटरी बैकअप नहीं दे पाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसके बदले Redmi Note 4 जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिलती है आपको 4000 mAh की बैटरी, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको उसमें क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं मिलता। पर ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का फोन लेना चाहते हैं, क्या आप एक छोटी बैटरी वाला फोन जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है वैसा फोन लेना चाहते हैं कि आप बार बार जल्दी से चार्ज कर पाए, और या फिर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं कि आप एक बार मॉर्निंग में अपने फोन को चार्ज कर लें और वो दूसरे दिन मॉर्निंग तक जो है या फिर जो है दोपहर तक वो चल पाए। तो ये आपको देखना है कि आपका यूजेज कैसा है। हाई यूजेज है तो बिल्कुल ही मेरा नहीं ख्याल, अगर बैटरी आपकी ज्यादा कंजम्पशन है, आप बहुत ही हैवी यूजर हैं, तो आपको मेरा हिसाब से Redmi Note 4 की तरफ ही ज्यादा जो है वो कंसीडर उसको करना चाहिए, क्योंकि इसकी बैटरी कम है। हालांकि इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है, पर बार बार आप कितनी बार अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, तो एक बार आप चार्ज करें और बैटरी लंबी चले मेरे हिसाब से तो यही सही है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ठीक लगता है आप उसे कंसीडर करें। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इसमें नोटिफिकेशन एलईडी लाइट है या नहीं इस फोन में। तो मैं आपको बता दूं इसमें नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं है, जो कि माइनस पॉइंट हो सकता है अगर आपका फोन कहीं पे रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि तो दूर से जो है लाइट ब्लिंक होती है, तो आप चेक कर सकते हैं आप आस पास नहीं थे और जब आते हैं तो। पर जब इसमें एलईडी लाइट नहीं है तो आपको बार बार जो है स्क्रीन ऑन करके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके नोटिफिकेशन आए हैं या नहीं, या फिर कोई मिस कॉल तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में डाउट्स होंगे वो आपको मिल गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।